सर, जब अब ये मंच कला का है, कलाकारों का है, तो जो उपस्थित कलाकार हैं वो जानना चाहेंगे कि जब इस विषय पे, इस नीरजा जी की जो ये जर्नी रही है प्लेन पे, उस विषय पे जब फिल्म बनी, तो ये फिल्म कैसे आई और ये फिल्म का संबंध कैसे जुड़ा और वो कैसे आपके संपर्क में आए, और लोगों को ये जानने में भी उत्सुकता रहेगी कि वो भी आप जरूर बताएं कि जब सोनम कपूर जी घर आए मिलने, तो आपकी मदर का उनसे क्या इंटरेक्शन रहा, ये कलाकारों को जानने में बहुत दिलचस्पी रहेगी। So, मेरे फादर ना वो पिक्चर बनाना नहीं चाहते थे, कई प्रोड्यूसर आए थे हमारे फादर के पास, लेकिन मेरा फादर बोलता था ये स्टोरी चेंज करने का, बॉलीवुड का रेपुटेशन ऐसी है। तो अब जब भी प्रोड्यूसर आया उन्होंने बोला नहीं 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 आपको नहीं करवानी। पास हुए 2008, तो 2014 में मेरे को एक मैसेज आया कि दे जेंटलमैन कॉल अतुल कासबेकर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अतुल कासबेकर, आई वर्क इन बॉम्बे इन एडवर्टाइजिंग। तो अतुल कासबेकर नोन नेम, बड़ा नोन फोटोग्राफर है, वो एक किंग फिशर करके कैलेंडर आता है, वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, मैं सोचा शायद मेरे को किंग फिशर कैलेंडर के लिए लेना है, तो इसके लिए मैंने फोन वापस किया उसको। तो बोला देखो आई एम फ्रॉम फोटोग्राफर, आई वांट टू बिकम अ फिल्म प्रोड्यूसर, एंड द फर्स्ट फिल्म व्हिच आई वांट टू मेक इज ऑन अ सिस्टर, बिकॉज इट्स अ स्टोरी व्हिच मस्ट बी टोल्ड। तो अच्छा, नॉर्मल अगर अभी किस्मत की बात है, नॉर्मली बड़ा सेट नो, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों नो मैंने बोला नहीं। मैं तो बोला अच्छा ऐसे है कि अखिल और मैं कल बॉम्बे आ रहे हैं, यूर चंडीगढ़ कल बॉम्बे आ रहे हैं, तो कल आपको मदद बात आगे बात करेंगे, बातें फोन पे नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट डे इवेंट बॉम्बे वी डिडंट गेट इन टच विद हिम बिकॉज इंटरेस्ट था ही नहीं, बट हिज ऑफिस केप्ट ऑन कीपिंग इन टच विद अस। तो चार दिन के बाद वी गाइज मेट, एक बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट है उधर मिले, 4 बजे का टाइम था हमको मिलना था, हम लोग 4:45 पहुँच गए उधर। तो बैठ गए उधर, अखिल तो उस्ताद आदमी है मेरा भाई, वो तो बियर पूरा ऑर्डर करके बैठ गया, कहता सुन के नहीं बोलना है बट विल एंजॉय माय सेल्फ। तो ये 4 बजे आए, एंड यू नो हाउ समहाउ नो व्हेन यू मीट समबडी सडनली बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विद इन 5 मिनट्स, ऐसा हुआ, बहुत चेंज हो गया। तो जब बात शुरू की ना, तो उसने ये शुरू ऐसे बात की कि देखो इफ यू अलाउ मी टू मेक दिस फिल्म, I'll make sure the dignity of Nirja and all the other passengers kept intact. उसने ये बोला। तो 5 मिनट के बाद अखिल और मैं एक दूसरे को इशारा किया, ठीक है, हमने बोला ठीक है, लेकिन दो कंडीशन, ये तो स्क्रिप्ट हम लोगों को अप्रूव करेंगे जो फाइनल स्क्रिप्ट होगी, दूसरा वी हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आवर सुपर बॉस। और सुपर बॉस कौन, हमारी माँ, वो चंडीगढ़ में बैठी थी। तो बोले ठीक है, सो ही केम बैक टू चंडीगढ़, मम्मी को बोला कि मम्मी को हम बढ़िया बोलते थे, बढ़िया ये फिल्म बनानी है। अब बोली नहीं 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 नहीं, योर फादर बोलते थे कभी फिल्म नहीं बनानी। बोला नहीं, पर इसमें देखो स्क्रिप्ट तो हम अप्रूव करेंगे, सो दे कांट चेंज द स्टोरी। तो माय मदर फाइनली एग्रीड बोलते, लेकिन जिसने रोल प्ले करना उसको मेरे से मिला। अच्छा, हमको पता नहीं था तब कौन रोल प्ले कर रहा, तो अतुल कासबेकर फोन किया, तो भाई कौन रोल प्ले कर रहा है, कहता सोनम कपूर, मतलब मेरी माँ तो बोल रही है उसको मिलना है। अच्छा, अगेन किस्मत की बात, सोनम वाज कमिंग टू चंडीगढ़ फॉर अदर असाइनमेंट विद इन 1 वीक, तो बोला उसके लिए आ रही है, हम मिला लेंगे उसमें, ठीक है जी। टाइम फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हुआ शाम के 7 बजे। तो पहले 4 लोग पहले आ गए, एक अतुल कासबेकर, एक राम आदवानी जिसने डायरेक्ट की मूवी हवेली, एक साइमन पोथोस ही रोट द स्क्रिप्ट, एंड देन दिस वन वाज सपोज टू कम एट 7 o'clock। 7 बजे शी केम लेट, शी केम लेट बाय 15 मिनट्स, और हमारे को बोला गया सिर्फ 15 मिनट में आएगी, आपकी माँ को मिलने आएगी और चले जाएगी, कि उसके जिस असाइनमेंट के लिए आई है उसके लिए चले जाएगी। तो ठीक है जी, वो 7:15 घर में आई, उसने दरवाजा खोला, एंड शी वॉक इन साइड, एंड आई एम टेलिंग यू शी लुक टॉक एग्जैक्टली लाइक लाडो। एंड लाडो हैड अ हैबिट कि जब वो बैठती थी अपने ड्रेस स्मूथ करके बैठती, एंड सोनम डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग, शी बेंट और शी स्मूथ द ड्रेस एंड सैट डाउन। तो आपको समटाइम मेरी माँ बोलती है ये तो मेरी लाडो है, एंड सोनम इज ऑल्सो पंजाबी, शी अंडरस्टैंड पंजाबी, माय मदर हैड गॉट, शी गॉट अलोंग वेरी वेल।
सोनो वाज सपोज टू कम फॉर 15 मिनट्स, शी वेंट आउट फॉर 5 आवर्स, रात के 2 बजे ही घर से, वो सब ने कैंसिल कर दिया, बैठी रही। तो मेरी माँ उसको बोलती है, कहती है सोनम देख, तू होएगी स्टार, तू होएगी ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी लाटो तेरे ज्यादा सुंदर थी। एंड सोनम टुक इट ब्यूटीफुली, दैट वेन वी वेंट फॉर द प्रमोशंस, शी वेंट एंड रिपीटेड द सेम स्टेटमेंट एवरीवेयर। मैं जब गई थी तो आंटी ने मेरे को बोला था, मेरी लाटो तेरे ज्यादा सोनी है। सो दैट वाज हाउ द फिल्म वाज मेड। देयर आर टीम्स ऑफ रिसर्चर्स हु कीप ऑन केप्ट ऑन कमिंग टू अस एवरी 3 मंथ्स। एंड वी लाइक, व्हाट यू लाइक अबाउट फर्स्ट वाज, कि हम कुछ बोलता था ये हुआ, बोलता प्रूफ दो हमारे को। एंड ऑल ऑफ द कॉल्स इफ दे आस्किंग अस फॉर प्रूफ, दैट मींस आस्किंग एवरीबॉडी फॉर प्रूफ, यू नो, जो कुछ बोल रहा है। सो दैट इज व्हाई द स्क्रिप्ट इज परफेक्ट, यू नो। तो जब स्क्रिप्ट बन गई तो बोला भैया वापे आके प्रूव करना पड़ेगा इसको, बेस ही नहीं बचे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल। तो हम गए, वी वेंट, आई वेंट इन फैक्ट, तो वी आस्क्ड फॉर टू चेंजेस इन दैट स्क्रिप्ट, जस्ट टू विच आर वेरी माइनर। So those changes were done and the movie was released. I went and saw the movie in the morning show. मैं सबसे पहले गया, क्यों गया था, बोला मैं जाके देख लूँ करते जूते पड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ हो इसमें, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैंने अप्रूव की थी। But the movie was fantastic. In fact, I came back and I rang up Ram first. I said, fantastic movie. अच्छा, Ram didn't pick up the phone. Then he rang me after 15 minutes. He says, I am in the middle of a radio show at the moment, live, पर मैंने रुकवा दिया। तो अच्छा, राम फंटास्टिक मूवी ये है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, अतुल को फोन किया मैंने, अतुल को यू टोल्ड यू, मैं उसको ऐसे बोला, क्या अतुल, यू हैड प्रॉमिस टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एवरीबडी, सो जस्ट मैं सर आई डोंट डिड इट, सो आई सेड यू नॉट ओनली मेंटेन्ड, यू मेंटेन्ड 100 टाइम्स ओवर। वाह, फंटास्टिक। कबाना जी को फोन किया, कबाना जी का फोन वो स्विच ऑफ। तो शी रैंग अप आफ्टर 1 आवर, शी सेड शी इज इन बिस्वान, द विलेज वेयर शी इज फ्रॉम, कहते वहाँ पर हूँ। तो बोला फंटास्टिक मूवी। चौबाना जी पता क्या बोलती मेरे को, कहते अनीश ये मैंने पहली पिक्चर की है। नहीं तो भाई, एवरीबॉडी एक्टिंग लाइक दिस फर्स्ट मूवी है, सारे मेरे को बोला कंग्रेचुलेशन, जैसे मेरी ये पहली पिक्चर है। बट ऑब्वियसली शी प्लेड अ फंटास्टिक कैरेक्टर एंड द लास्ट स्पीच विच शी गिव्स यू थी द मूवी, लास्ट में जो स्पीच है उसकी, दैट इज जस्ट अमेजिंग।